Hey guys, welcome to my YouTube channel, Better Than Sober. आज हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप चार इंडियन ब्रांड्स का. टॉप चार नहीं, ये है पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड्स जो आप ले सकते हैं 120 टू 100 रुपीज पर कैन. सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव शक्ति विद अस बिकॉज ही डाइड 2 weeks बैक. जस्ट किडिंग, ही गॉट हिज आर्म फ्रैक्चर्ड, सो ही माइट बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. सो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बेटर देन सोबर को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त. थैंक यू वेरी मच. तो गाइस शुरू करते हैं. आज की पहली बियर है मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग. आप इसकी अल्कोहल परसेंटेज जानना चाहते हैं तो ये है 7.2%. लेकिन आप इसके अल्कोहल परसेंटेज पे मत जाइएगा. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर इन इंडिया एंड इट्स पर्सनली माय फेवरेट. तो गाइज, अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो दिल्ली में पर कैन 95 रुपीज़ का मिल सकता है आपको, और इजिली 110 रुपये में आपको इसकी बॉटल मिल सकती है. दिस इज अ पॉकेट फ्रेंडली. गाइज, स्टार्ट करने से पहले किंगफिशर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा. किंगफिशर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बियर इन इंडिया. अगर आप गोवा साइड में जाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड किंगफिशर एवरीवेयर. किंगफिशर ने इंडिया की 80% मार्केट कवर कर रखी है. किंगफिशर आती है 4 वेरिएंट के साथ. वन इज किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रा मैक्स एंड किंगफिशर लाइट. इन सबको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में. अभी के लिए किंगफिशर स्ट्रॉन्ग का रिव्यू करते हैं. लेट्स टेस्ट इट. गाइस, जनरली इंडिया में सारी बियर्स का अल्कोहल कंटेंट 7.2 से 8 के बीच में ही होता है. किंगफिशर स्ट्रॉन्ग अगर आप नोटिस करेंगे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज द शुगर लेवल. इसमें शुगर ज़्यादा होता है, दैट इज़ द रीज़न. आपको थोड़ी सी मीठी लगेगी और नशा भी एक्स्ट्रा करेगी. किंगफिशर स्ट्रॉन्ग अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ, मैं इसको दूंगा 10 में से 8. गाइस, अगली बियर जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है मेरी और हमारे कैमरामैन की पर्सनल फेवरेट, ट्यूबॉक स्ट्रॉन्ग. तो गाइस, अगर हम बात करें ओरिजिन की, दिस इज ओरिजिनेटेड इन डेनमार्क. अल्कोहल कंटेंट है इसका 8%. वन ऑफ द फेवरेट बियर इन यंगस्टर्स, अमंग्स यंगस्टर. ऑल्सो अगर आप बात करें मार्केट प्राइस की, इसका कैन है 95 रुपीज़ इन दिल्ली एंड 110 रुपीज़ फॉर अ बॉटल. टेस्ट करके देखते हैं हाउ डज इट टेस्ट. जेन्युइनली ट्यूबॉक किंगफिशर से ज्यादा स्मूथ है. और क्या देख रहे भाई, तू पी ले यार, तू पी ले. थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट में बिटरनेस है, बट रेटिंग में इसको दूंगा 9 out of 10. गाइस, आज की तीसरी बियर है थंडरबोल्ट प्रीमियम सुपर स्ट्रॉन्ग बियर. सो ओरिजिनेशन की बात करें तो इट्स ओरिजिनेटेड इन भागलपुर, बिहार. जस्ट किडिंग, इट्स एन इंडियन ब्रांड. डोंट नो वेयर इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, बट इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड इन मोहाली. इसका अल्कोहल परसेंट है 8, और टेस्ट करके देखते हैं. एंड बिफोर वी गो, इसका प्राइस चेक करें तो इट इज 95 रुपीज़ कैन एंड 120 रुपीज़ बॉटल. टेस्ट करके पता चलेगा वर्थ इट है कि नहीं है. लेट्स सी. क्या ये किसने बना दी इसे बियर यार. गाइस, टेस्ट में मैं इसे दूंगा 5 out of 10, और ओवरऑल इसे दूंगा मैं 4 out of 10. गंदी बियर है, मत पियो, देखो भी मत इसे. बंद कर. दोस्तों, आज की चौथी बियर है हमारी गॉडफादर स्ट्रॉन्ग बियर. कलरफुल कैन है बहुत, और बेसिकली इट्स फ्रॉम जम्मू. इनके जो ओनर हैं, इनके जो मेकर हैं, उनका नाम है दीवान चंद जी. तो ये भी एक इंडियन बियर है. टेस्ट करके पता चलेगा कि वर्थ इट है कि नहीं. द कैन कॉस्ट यू 95 रुपीज़ अगेन एंड द बॉटल इज 110 रुपीज़. लेट्स सी. टेस्ट इज फाइन, बिटरनेस भी कम है, स्मूथ भी है. अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कितना रेट करूंगा, आई विल बी रेटिंग इट अराउंड 8 इन कंपैरिजन विद
आपकी किंगफिशर एंड थंडरबोल्ट, इट इज गुड और आप इसे ले सकते हैं। तो गाइस चारों बियर में से आज की नंबर वन बियर आप सबको पता चल गई होगी, मेरी और कैमरामैन की फेवरेट ट्यूबॉग स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, फाइन, नशा भी अच्छा करेगी एंड इट्स पॉकेट फ्रेंडली। 110 रुपये में बॉटल एंड 95 में कैन। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव ऑन आवर फर्स्ट वीडियो। अगली वीडियो हमारी होगी टॉप 4 ब्रांड्स बिलो 200 रुपीज़। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।